The question is, prove that the determinant whose first row is x sine theta cos theta, the second row is minus sine theta minus x 1, and the third row is cos theta 1 and x is independent of theta. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या. आपको है ना एक डिटरमिनेंट गिवन है और जिसकी एंट्रीज को चलिए सबसे पहले मैं फिल कर लेता हूँ एक बार. तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट रो आपके पास है एक्स डेट इज ऑफ साइन थीटा, द थर्ड टर्म इज कॉस थीटा, इसके बाद डेट इज माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन कॉस थीटा वन एंड एक्स. ठीक है, तो आपको ये एक डिटरमिनेंट गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा. इसका मीनिंग ये होता है कि आपके फाइनल रिजल्ट में थीटा का टर्म नहीं होना चाहिए. मतलब डजंट मैटर आप क्या थीटा यहाँ पे सबमिट करें, इसकी जो इसका जो आउटपुट है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है. ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं कि पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कोई थीटा का टर्म आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपकी फर्स्ट रो है आर वन, दिस इज और आर टू, दिस इज और आर थ्री, और ये आपके पास है सी वन, दिस इज और सी टू एंड दिस इज और सी थ्री. तो मतलब ये तीन कॉलम आपके पास है और ये तीन रोज आपके पास है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह लगाने की जरूरत हमें नहीं है, हम केवल सिंपली इसको ओपन करेंगे. ठीक है, और ओपन करने के बाद अपन ये चेक करेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर कोई थीटा का टर्म आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. तो बेसिकली मैं इसे आर वन के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बेसिक नॉलेज है डिटरमिनेंट को ओपन करने की वो आपके पास होगी और मैं इसे फाइनली आर वन के टर्म्स में आर वन के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ. तो जब आप आर वन के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एक्स डेट इज और एक्स, इसके बाद ये टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है और माइनस ऑफ ये टर्म का इससे मल्टीप्लाई करना है. तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस वन के, ये आपके पास एक टर्म आ गया. अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल्टरनेट सिंबल आपको मिलता है, तो अभी मैंने प्लस से ही ओपन किया है, तो फिर अगला टर्म हमें मिलेगा माइनस ऑफ साइन थीटा. और जब आप मैं माइनस ऑफ साइन थीटा को ओपन करूंगा तो मुझे ये रो और ये वाली सॉरी ये कॉलम और ये रो को क्लोज करके आप देख सकते हैं कि आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस ऑफ साइन थीटा से. तो ये बनेगा माइनस एक्स साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है वन से, तो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू वन. ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ओपन करने जा रहे हैं कॉस ऑफ थीटा को, तो यहाँ पे फिर से प्लस का साइन आएगा, तो आप इसे कॉस थीटा लिख सकते हैं. और इसके बाद पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और माइनस ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो वन को जब आप माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा, और इसके बाद क्योंकि एक माइनस यहाँ पे पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और इसको आप सिंपली लिख सकते हैं एक्स कॉस थीटा के. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डिटरमिनेंट को ओपन करना आता होगा, फिर भी मैं एक जनरल सा आइडिया आपको दे देता हूँ. मान के चलिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है, दिस इज ए बी सी एल एम एन एंड दैट इज पी क्यू आर, और इनकेस अगर मैं इसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ तो मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. सबसे पहले मैं ए लूंगा और उसको एम इंटू आर से मल्टीप्लाई एम इंटू आर माइनस क्यू इंटू एन आपको लिखना होगा. फिर उसके बाद ऑल्टरनेट सिंबल आता है तो उसके बाद फिर आपको माइनस भी यूज करना है, मतलब इस क्वांटिटी को माइनस साइन के साथ यूज करना है. देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, एल को आर से मल्टीप्लाई करिए तो दैट इज एल आर माइनस पी एन, ये आप लिख सकते हैं. उसके बाद फिर आपको सी लिखना है, इसको ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद सी हमने बाहर ले लिया, फिर L को Q से मल्टीप्लाई करना है, तो L into Q minus P into M, and finally this is the expression. ठीक है, अब चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. इन केस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा माइनस के एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं प्लस के एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आपको मिलेगा प्लस के साइन थीटा cos theta plus sin theta cos theta minus sin theta cos theta. मैं बस simply इसको simplify कर रहा हूँ, और last term हमें मिलने जा रहा है x into cos square theta के.
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरे पास माइनस एक्स क्यूब है, फिर अगला टर्म माइनस एक्स है, और यहाँ पे आप साइन थीटा कॉसिटा से साइन थीटा कॉसिटा कैंसिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो इन द ब्रैकेट वी आर हैविंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। और इसके बाद हमने माइनस एक्स को प्लस एक्स से कैंसिल कर दिया और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट इज योर माइनस एक्स क्यूब। एंड दिस इज द टर्म, अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिला है ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर है माइनस ऑफ एक्स क्यूब के, यानी कि आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू सबमिट करें इसका जो आउटपुट है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है, इनफैक्ट दैट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन थीटा की वैल्यू चेंज करने से ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी।